और इसी बीच रामपुर बाघेलान से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर सीमेंट प्लांट में दो मजदूरों की मौत हुई है। आपको बता दें कि प्रबंधन मामले को दबाने में जुटा हुआ है। सेलो सफाई के दौरान यह हादसा हुआ है। वहीं दो दिनों से प्लांट जो है वो शट डाउन है। तो आपको बता दें कि रामपुर बाघेलान से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर सीमेंट प्लांट में दो मजदूरों की मौत हुई है और प्रबंधन इस मामले को दबाने में जुटा हुआ है। तो रामपुर बाघेलान से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर सीमेंट प्लांट में दो मजदूरों की मौत हुई है। वहीं प्रबंधन जो है इस पूरे ही मामले को दबाने में जुटा हुआ है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नंद किशोर पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। नंद किशोर, सीमेंट प्लांट में दो मजदूरों की मौत हुई है, कैसे हुआ ये हादसा? मैडम बिल्कुल बता दें, सतना जिला के अंतर्गत एक मनकारी सीमेंट जंक्शन लिमिटेड है, और इसमें आए दिन सतना जिला फोकस में रहता है, घटनाएं पे घटनाएं होती रहती हैं, जिसमें प्रशासन और सीमेंट प्लांट प्रबंधक इसको दबा देते हैं। और आज रात में ये घटना घटी, और जो साइलो होता है उसकी पाइप अचानक फट गई और दो लोग उसमें दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन प्रबंधक द्वारा इस मामले को दबाया जा रहा है, अभी तक कोई भी खबर सामने नहीं आई कि कितने लोगों की मौत हुई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अभी जारी हुआ कि दो लोगों की मौत हो चुकी है। नंदकिशोर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो प्रबंधन है इस पूरे ही मामले को जो दबाने में जुटा हुआ है, तो क्या परिजन की तरफ से कोई कार्रवाई की मांग की गई है और जो कंपनी है उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है? जो यह कंपनी है इसमें कोई लोकल व्यक्ति को नहीं रखते हुए कई दूर दूर जिलों से बिहार और छत्तीसगढ़ राजस्थान के जैसे लोगों को रखा जाता है, और ऐसी बड़ी घटना होने के बाद मामले को दबा देते हैं। अगर यह कोई आसपास के लोग युवा यहाँ नौकरी करते होते तो मामला काफी गंभीर हो सकता था, लेकिन अभी कुछ लोगों और फंसे होने की संभावना पाई जा रही है और जिला प्रशासन के द्वारा भी जांच करने की मांग की गई है। जी बहुत शुक्रिया नंद किशोर हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो रामपुर बाघेलान से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर सीमेंट प्लांट में दो मजदूरों की मौत हुई है। वहीं प्रबंधन भी इस पूरे ही मामले को दबाने में जुटा हुआ है और अभी तक मौत का खुलासा नहीं किया है।